पेरिस में ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक खेलों में अपने प्रदर्शन से देश और उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित करने का काम किया। ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ और कांस्य एवं रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 4 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 14 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अलग अलग गेम में हिस्सा लेकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। सम्मान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने खास बातचीत की। इस दौरान खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। इस पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार हमारे साथ है। उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रोत्साहन राशि के साथ साथ सम्मान देने का काम किया है। 6 करोड़ की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है और प्रवीण से ही बात करते हैं। प्रवीण, कैसा लग रहा है और आपका जो पदक था उसका कलर बदला है, उसका पहली बार आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी कंट्री के लिए। मैंने अपने जो टोक्यो में सिल्वर था उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया है और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। 3 साल की जर्नी हो गई मेरी अभी इसको गोल्ड को कन्वर्ट सिल्वर को कन्वर्ट करने में गोल्ड में, और इसके लिए इंजरी आई, थोड़े पेन आए, स्ट्रगल्स थे और प्रॉब्लम्स थी, बट अब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सब ठीक था, अच्छे से हो गया, सब एंडिंग अच्छी है तो सब अच्छा है। क्या मानते हैं कि बहुत दिक्कतों का सामना करना हो, कभी हार मानने की हिम्मत तो नहीं हो कि मैं नहीं, अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगा? सर, अगर आप हार मानना सीखते हैं तो आप अपने गोल को भूल जाइए फिर कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य आपको आपके हर स्टेप पे आपके सामने एक चुनौती जरूर रखेगा, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे इंजरी हो, चाहे आपको दोस्तों से आपका थोड़ा अनबन होगी हो, ऐसी चीज़ें रखेगा। अगर आप उनसे फाइट करते रहेंगे हर एक स्टेप पे तो आप अपने लक्ष्य को जब ही जीत पाएंगे। सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे यूपी सरकार? पहले टोक्यो में उन्होंने मेरे को प्रोत्साहित किया था, तब मुझे 4 करोड़ की धनराशि के साथ मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके मेरा फेलिसिट किया था। फिर मेरा एशियन गेम में 3 करोड़ की धनराशि के साथ मेरा फेलिसिट किया था। तो मैं जैसे जैसे मैं अपनी मेरी गवर्नमेंट जैसे मुझे सपोर्ट करती आई है, जितना मेरे को सपोर्ट करती है मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और अच्छे करने की कोशिश करता हूँ कि अपने देश के लिए और अच्छा करूँ, और ये सारी चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी। यूपी गवर्नमेंट एक ऐसा संदेश दे रही है जिसकी वजह से कि स्पोर्ट्स में भी आप अपनी लाइफ बना सकते हैं, अपने नशे से दूर रह के, अपने मोबाइल से दूर रह के, जो कि योगी जी ने बोला हमारे सीएम सर ने, उससे दूर रह के आप इस अपनी स्पोर्ट्स लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं, उसमें करियर बना सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका अवसर उनको दिया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएँ, सभी लोग इसका फायदा उठाएं। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार का जो विज़न है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का काम करें और अपने लक्ष्य से कहीं पीछे नहीं हटे। हमने ऐसा प्रवीण कुमार जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे पैरा ओलंपिक्स गेम में, और साफ तौर पर एक संदेश देने का काम देश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को करने का काम किया है, और साथ ही साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की भी सराहना की। सरकार लगातार प्रयास कर रही है और ये मौका है कि हर युवा को सरकार के साथ और देश के नाम ऊँचा करके कहीं ना कहीं अपने आप को देश का नाम ऊपर करने वाले खिलाड़ियों को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित करने का काम किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत सिंह जी हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपने देश का, उत्तर प्रदेश का नाम ऊंचा किया। थैंक यू सो मच सर, और इस दिन का इंतजार था, एक्साइटेड थे। आज इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कैश अवार्ड के साथ सम्मानित किया है और मज़ा आ गया ये सब सम्मान देख के, जिस तरीके से लोगों ने उत्साहवर्धन किया है और लगातार जैसे देश खेलों को सपोर्ट कर रहा है, ओलंपिक हो चाहे पैरालंपिक हो, तो ये आने वाले टाइम में खेलों के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है। पैरा एथलेटिक्स में आपने पूरा भाग किया, किस तरह का मेडल आपको मिला था और क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ है? बिल्कुल, मेरा नाम अजीत सिंह है जैसे आपने बताया, और मैं F46 जेवलिन थ्रो करता हूँ पैरा एथलेटिक्स। हमारा मेडल सिल्वर था और मुझे 4 करोड़ की धनराशि मिली है यहाँ पर। निश्चित तौर पे अभी जो कैश अवार्ड और ये जो स्पोर्ट्स में स्कीम आई हैं वो खिलाड़ी को फाइनेंशियली के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी इन सब में स्टेबल कराती हैं, और जिससे क्या है, पहले खिलाड़ी अपने खेल पे ना फोकस करके इन चीज़ों में रहता था कि उसे जॉब लेनी है या फिर और चीज़ों, कैसे वो अपना फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करे, कैसे वो अपना रुपए जुटाए और
अपना घर बार चलाए, ये सारी चीज़ें, तो सरकार ने इन चीज़ों की अब जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी है, जिससे अब वो खेल पे अच्छे से फोकस कर पा रहा है। तो बहुत संघर्ष करना पड़ा आपको इस जो फाइनेंशियल दिक्कत मुख्यमंत्री ने भी बताई कि खिलाड़ियों को होती है, बहुत संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा? बिल्कुल, पहले ऐसी रहती थी, अब खिलाड़ी खेलने जाता है, कभी अपने खर्च से भी जाता था, वो सारी चीज़ें। अब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टेक ओवर किया है, प्राइवेट एजेंसी जो प्राइवेट सेक्टर इसमें आया है, जो कई NGOs कई कंपनी CSR के थ्रू आई हैं, तो इससे खिलाड़ियों को बहुत सहूलियत हुई है। उत्तर प्रदेश की युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? उत्तर प्रदेश के युवाओं को यही संदेश है, वो जो भी खेल खेल रहे हैं, जो भी जिस तरीके से जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है, लगातार वो खेलते रहें, और निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में और अच्छी सुविधाएं होंगी। जिस डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, खेल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित जो भी उनके ड्रीम है वो पूरे होंगे। जस्ट अपना रास्ता ना भटकें, वो सिर्फ खेल, और जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अपना स्मार्टफोन और नशे से दूर रहें, ये बहुत ही गहन समस्या हमारे युवा की। और मैं अपना एक लिमिटेड टाइम के लिए फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, और जिससे वो हमारा टाइम भी बचाता है और हमें एक सही डायरेक्शन भी देता है, ये इसको फॉलो करना चाहिए सारे युवाओं को, और अपने खेल के लिए फोकस करते रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पैरा एथलीट के चैंपियन अजीत सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि युवाओं को उत्तर प्रदेश की भटकना नहीं चाहिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का दिशा निर्देश दिया है कि नशा और मोबाइल स्मार्टफोन से दूर रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने रास्ते को कहीं ना कहीं भटके ना उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी, देश का खिलाड़ी। और पेरिस ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाली अनु रानी हमारे साथ है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार ने उनको सम्मानित करने का काम किया है, एक धनराशि के साथ साथ सम्मान देने का काम किया है। और ये अनु रानी है, उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया है, अनु रानी से ही बात करते हैं। अनु जी, क्या कहना चाहेंगी, योगी सरकार ने आप लोग के काम को सराहना की है और आपने जो देश का नाम ऊंचा किया है उसको लेकर? काफ़ी अच्छा लगता है सर, प्लेयर्स को मतलब सपोर्ट करते हैं, अभी जॉब भी मिल रही है, तो आज से 10 साल पहले तो ऐसे कुछ नहीं था, और लड़कियों के लिए भी अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हाँ काफ़ी मतलब प्राउड की बात है कि सम्मानित किया जाता है, नौकरी भी मिलती है, तो इस तरह से ही ये प्रयास जारी रहे तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी मोटिवेशनल होगी। आपकी तरह बहुत देश में लड़कियां हैं, उत्तर प्रदेश में लड़कियां, उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आगे से आगे बढ़ के इस तरह गेम में हिस्सा लें? सर मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि खासकर गाँव में लड़कियों को मौके नहीं मिलते बाहर निकलने के लिए, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि लड़कियां भी मतलब काफ़ी हद तक अभी अच्छा कर रही है, तो ये है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। सरकार ने आपको आगे बढ़कर सहयोग किया है, क्या कहना चाहेंगी सरकार को लेकर? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा कर रही है हमारी सरकार, और यही है कि हाँ इसी तरह से सपोर्ट वगैरह मिलता रहे। तो हिस्सा लिया था आपने जैवलिन थ्रो? ये थी अनु रानी जो जैवलिन थ्रो की कहीं ना कहीं खिलाड़ी थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, और खासकर बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश की, कि उनको आगे बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहित करने का, उनको सम्मान देने का काम। गेम में हिस्सा लेने वाली, प्रतिभाग करने वाली प्रियंका जी हमारे साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको सम्मानित करने के साथ साथ उनको प्रोत्साहन राशि देने का, प्रियंका जी क्या कहना चाहेंगी? आपने प्रतिभाग किया था पेरिस ओलंपिक गेम्स में, हालांकि पदक नहीं हाथ लगा, लेकिन मेहनत आपने की और सरकार ने उसकी सराहना भी। हाँ जी, क्योंकि एक हम लोग कितने एथलीट्स गए थे, तो वहाँ पे जाना भी बहुत बड़ी बात होती है एथलीट के लिए, क्योंकि एक वर्ल्ड से टॉप एथलीट्स वहाँ पे प्रतिभाग करते हैं, और जैसा कि मेरा ये दूसरा ओलंपिक्स था, तो काफ़ी एक्सेप्टेशंस थी खुद से, लेकिन दिन अच्छा होना चाहिए खिलाड़ी का, वो भी बहुत मायने रखता है, और हमने वहाँ पे प्रतिभाग किया, उसकी वजह से आज हमें यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने सम्मानित किया, और हम खिलाड़ी ऐसे अपनी मेहनत करते रहेंगे और ऐसे सम्मानित होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बेटियों को कोई संदेश है कि वो खेल में आगे बढ़े, अपने आप को कमज़ोर ना समझें? बिल्कुल, क्योंकि देखो उत्तर प्रदेश ऐसी पूरा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे गांव भी है जहां से लड़कियां अभी भी नहीं निकल पाती है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि डरना नहीं है, अगर आप में है कि हमें करना है, तो अपने माता पिता से बोलिए, या फिर सरकार में जो हेल्प कर सकता है उनसे बोलिए, हमारे से बोलिए, ताकि हम भी उनकी हेल्प कर सकें, और जिस भी फील्ड में वो जाना चाहती है उनको निकलना चाहिए। हॉकी की खिलाड़ी थी प्रियंका, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमारे काम को सराहना की और हमें एक धनराशि सम्मान राशि देने के रूप में काम किया है। कैमरा पर्सन दानिश सिंह।